फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। आज मैं कोई चैप्टर नहीं लेके आया, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ इनका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में एक अच्छी बात करेंगे हम, उसको आप कमेंट करके बताना मेरे को, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चंस, इस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। देखो ध्यान से, कहता क्वेश्चन कहते कि √42 − √42 − √42, अगर ये इन्फिनिटी तक चलता रहे, ठीक है, तो हमारी क्या आंसर होगा। ऑप्शन के अंदर मेरे को चार ऑप्शन देंगे तो मेरे को क्या आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर इसको सोल्व तो क्या होता है, रिपीटेशन होगी। वहाँ पर एक्स मानो और बहुत ही दोनों साइड स्क्वेयर करके फिर मैं इसका सोल्यूशन करूँगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्या करना आप लोगों को, 45 इसके टू कंजक्टिव पेयर बना लो। जिस 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 7, देखो 6 और 7 कंजक्टिव हैं, तो इस तरह के कोई टू कंजक्टिव पेयर ढूंढ लो, तो आपका काम सोचो खत्म हो गया। 6 × 7, 42 के टू कंजक्टिव पेयर क्या हो गए, 6 × 7। अभी यहाँ पर चलो, अभी यहाँ पर जो साइन दिया हो ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर साइन 6 यानी कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 छोटे वाला, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6। अगर यहाँ पर पॉजिटिव निशान होता, निशान पॉजिटिव होता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, बड़े वाला आंसर 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थे कि यहाँ पर दिया 12 के टू कंजक्टिव पेयर्स क्या होंगे, 3 × 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे साइन कौन से, यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4। देखो कितने इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, एसएससी के लिए बहुत अच्छे है। कई बार एयरफोर्स नेवी के अंदर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए लेके आऊँ। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आ सकती है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं ये लेके आपके सामने आया हूँ। नेक्स्ट कहते हैं ट्रिक, अगर क्या कहते हैं कि मेरे को x − 1/x की वैल्यू दी हुई हो, तो मेरे से पूछ सकते हो x² + 1/x² की वैल्यू, x³ − 1/x³ की, इस तरह की कुछ वैल्यूज पूछ सकता है, तो डायरेक्ट ट्रिक यूज करके मैं उनका आंसर दे सकता हूँ। कैसे, देखो अगर x − 1/x की वैल्यू k हो, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी मेरी, k² + 2, और x³ − 1/x³ की वैल्यू क्या होगी मेरी, k³ + 3 k। देखो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर x − 1/x की जगह पर x + 1 + x दिया हो, तो मेरा आंसर अगर ये k के इक्वल हो, तो x² + 1/x² क्या होगा, कुछ नहीं, प्लस की जगह पर माइनस का निशान आ जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और इसके बेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर मेरे से क्या कह रहा है कि x की वैल्यू √3 + √2 दे रहा है, तो वैल्यू ऑफ x³ − 1/x³ ये मेरे से पूछ रहा है। इसके अंदर देखो x की वैल्यू दी है मेरे को, ठीक है, तो यहाँ से मैं x − 1/x की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना इजीली, तो निकाल दो क्या हो जाएगी, √+√2 − √3 + √2, ठीक है, इसका एलसीएम लो तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो √3 + √2 का होल स्क्वेयर −1/√3 + √2। अब इसका स्क्वेयर ओपन कर दो, √3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3 + √2 का स्क्वेयर हो जाएगा 2 + √3 × √2 − 1/√3 + √2, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते, 3 × 5 − 1 क्या हो जाएगा, 4 + 2। अब रूट्स की 2 संख्या है, तो √a √b की क्या वैल्यू हो जाएगी अगर प्रोडक्ट में, तो √ab यानी कि 3 × 2 √6, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे दिया हो √3 + √2। अब मैं क्या करूँगा, इसका रैशनलाइजेशन कर दूंगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इस तरह के, नो डायरेक्ट x − 1/x की वैल्यू देगा आपको, ये थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने लिया, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कैलकुलेशन करने भी आ जाएंगे इससे, ठीक है। रैशनलाइजेशन कैसे करूंगा, जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हो ना, उसका मैं साइन चेंज करूंगा, जैसे प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दूंगा और माइनस है तो प्लस कर दूंगा। अब साइन चेंज करके ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, कैसे, देखो 4 + 2 √6 / में क्या हो जाएगा, √3 + √2 √3 − √2, निशान चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके बाद क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो, आगे देखो √3 × 4, तो क्या हो जाएगा 4√3। इसके बाद √3 किसके साथ करोगे, तो +2 √6 × √6 क्या 3 क्या हो जाएगा √18। अब −√2 की करो तो क्या हो जाएगा −4√2
टू और माइनस क्या हो जाएगा टू रूट ट्वेल्व। समझे कैसे क्या भाई में क्या होगा? देखो अब ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या होगा, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो थ्री का स्क्वेयर क्या हो जाएगा नाइन, तो सॉरी थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा थ्री और टू का स्क्वेयर हो जाएगा रूट टू का स्क्वेयर हो जाएगा टू। तो आंसर क्या है भाई, भाई में क्या मेरे को मिल रहा है एक, तो ये होगा खत्म। अब बात करते हैं ऊपर वाले की, डिस्कस करेंगे फोर रूट थ्री प्लस टू। अब रूट एटीन देखियो, रूट एटीन, रूट एटीन दिया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एटीन को, थ्री इंटू थ्री इंटू टू, थ्री का जोड़ा बार आ गया, थ्री है तो यहाँ पर पेयर बना, तो ये एक बार आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स रूट टू लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस फोर रूट टू, और मेरे को दिया हुआ जैसे माइनस टू रूट ट्वेल्व, ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ट्वेल्व को लिख सकता हूँ मैं क्या, टू इंटू टू इंटू थ्री, तो यहाँ पर टू का पेयर मेरे को मिला तो टू बार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का फोर रूट थ्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे क्या बचा मेरे पास टू रूट टू। ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, के की वैल्यू आ गई मेरी। अब मेरे को के की फाइनली वैल्यू मिल गई, तो एक्स क्यू माइनस वन एक्स, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे को ट्रिक के अनुसार क्या थी, के की क्यूब प्लस थ्री के, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, टू रूट टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू रूट टू। अब इसका क्यूब कैसे करोगे आप, इसके अंदर भी बच्चों को दिखता थी कुछ नहीं, तीन बार लिख लो इसको, टू रूट टू इंटू टू रूट टू इंटू टू रूट टू, देखो दो दूनी चार दूनी आठ, आठ तो यहाँ से आ गया। अब इसकी इसके मल्टीप्लाई करोगे रूट टू इंटू रूट टू इंटू में टू आ जाएगा और रूट टू यहाँ से, तो क्या मिला सिक्सटीन रूट टू, और यहाँ से मेरे को सिक्स रूट टू, सिक्सटीन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू रूट टू। ये फाइनली मेरा क्या मिला मेरे को आंसर, ऑप्शन देखना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझे कैसा, इसके अंदर डायरेक्ट मेरे को x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू देके एग्जाम में पूछता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया भी है, कैलकुलेशन है, रैशनलाइजेशन करना आपने सीखा कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की, क्वेश्चन नंबर फाइव कहते हैं कि मेरे को 100 ऐसी संख्याएं बताने जिनको मैं इंग्लिश के अंदर लिखूं तो उसकी जो होगी वर्डिंग उसके अंदर ए नहीं आएगा। अरे बाबा ये कैसा क्वेश्चन होगा, अब सोचते रहो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, आप देख लेना वन से लेकर 999 तक, 999 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके अंदर ए आएगा, देख लो आप, वन टू थ्री फोर सिक्स नाइन, समझ रहे हो ट्वेंटी, अरे कुछ भी एक से 999 तक कितनी भी संख्या आप इंग्लिश में लिख लेना उनकी स्पेलिंग के अंदर ए नहीं आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता, मैंने आपको बताया अच्छी बात। देखिए क्या एक से 999 तक कितनी भी संख्या आप यूज कर लो उसके अंदर ए की वैल्यू कभी, ए जो हमारा वर्ड अल्फाबेट है ये नहीं आता, ठीक है, उसकी स्पेलिंग के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, देखिए शुभम बोल रहा है शुभम की मानसिक आयु 21 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 18 वर्ष है, तो उसका आई क्यू बताना। मेरे से क्या पूछ रहा है, आई क्यू पूछ रहा है, बुद्धि लब्धि बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर आई क्यू, ठीक है। अब देखो कैसे बताऊंगा मैं आई क्यू, आई क्यू की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आई क्यू कैसे बताऊंगा, आई क्यू क्या करो जो मेरे को दिया हुआ, देखो मानसिक आयु, सबसे पहले मानसिक आयु, बाई में आ जाएगा वास्तविक आयु, मल्टीप्लाई में 100, ये होता मेरा आई क्यू का फॉर्मूला, मानसिक आयु बाई में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। क्रिस फिल्म देखी होगी आपने, उसके अंदर उस बच्चे का क्रिस जो हमारे ऋतिक रोशन, उसका आई क्यू चेक किया जाता है, वही आई क्यू की बात कर रहा हूँ। मानसिक आयु बाई में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। देखो कैसे मानसिक आयु कितनी दी है शुभम की 21 और वास्तविक आयु क्या है 18, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2100 बाई में 18, ठीक है, 2100 बाई में 18, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 9 बाई में 2105, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी, ये होगी ना 5 दूनी 10 0 ऐसे लगी
ये तो इतनी होगी शायद, है नहीं, ये हो जाएगी 200 510 की 0 में, ये नहीं होगी, ये होगी मेरी। अरे 2 से डिवाइड करो यार 2100 को, 2100 को मैं 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 0 5 0, ये होगी 1050। ठीक है, 1050 बटे 9, इसको फिर 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करो या 9 से डिवाइड करो, 9 से कर लो, 9 एकम 9 बचा 1 9, फिर से 1 पे चली 919 समथिंग, कुछ भी 115 इस तरह का कुछ आ गया। तो देखो 100 से कुछ आया, ऊपर आया हमारा, तो यानी कि 15% लगा लो, यानी कि वो 50% ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपनी उम्र के बच्चों से। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो वो 18 वर्ष का अभी तक हुआ भी नहीं विश्व, ठीक है अभी तक शायद 17 ही साल का हुआ है, तो मतलब आई क्यू और भी ज़्यादा तेज हुआ, वाकई में आई क्यू तेज है। उसकी डेट ऑफ बर्थ शायद ये 25 अक्टूबर 2000 है, देख सकते हो आप, अभी तक 18 वर्ष का भी नहीं हुआ फिर भी इतना तेज आई क्यू बंदे का, लेकिन टैलेंट है तभी ये भाई, कि बहुत कम बच्चे मिलते हैं जैसे इस तरह के जिनके अंदर टैलेंट है, जैसे ऋतिक रोशन था बहुत कम थे ना इसी तरह से। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट केस। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 2 की पावर 31 है को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, देखो मानसिक आई क्यू की बात कर रहे थे हमसे, 2100 को 2 से नहीं डिवाइड किया गया और ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन मतलब शुभम का आई क्यू वाकई में तेज है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से भटक गया था। कहते हैं कि 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर मेरा क्या शेष बचेगा। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कुछ नहीं करना, जो पावर दी हुई ना उसको ले जी 31। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया 7 चौक 28, बचा कितना मेरे पास 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 28 डॉट 2 की पावर 3, इस तरह कुछ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता मैं, यानी कि यहाँ पर 4 का वो ना फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 4 मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए बच्चों यहाँ पर 28। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर 2 की पावर 4 होना मतलब 4, तो इसका आंसर क्या होता है मेरा हमेशा ही 1 होता है। अब 1 मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि 1 के बाद जैसे ही मैं किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ या 3 से डिवाइड करूँ या 4 से डिवाइड करूँ, तो हमारे जो रिमाइंडर आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे, लेकिन अगर मैं 5 से किसी संख्या को डिवाइड करता हूँ तो मेरा अगेन रिमाइंडर 1 वाले के इक्वल आ जाता है, इसीलिए मैं 4 से डिवाइड करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ गया 4, इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है 1, और मेरे पास यहाँ पर बचता है 8। ठीक है, अब मेरे पास 8 बचा है, अभी मेरे पास 8 बचा है बच्चों, यानी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक 5 से डिवाइड इसको नहीं किया है, तो 5 से डिवाइड कर दो 8 को, 5 5 1 3 5 आंसर 3, तो 3 क्या मेरा रिमाइंडर। क्या करोगे, जो भी इस तरह की पावर उसको 4 से डिवाइड करो, इस तरह का एक मल्टीपल बचेगा उसको इस फॉर्म में तोड़ लो, इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि 4 से मतलब समझ गए ना, 4 के बाद 5 आएगा उसका रिमाइंडर 1 वाले के इक्वल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 को 5 से डिवाइड करो, 3 मेरा क्या बचता है रिमाइंडर बचता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम मत उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कई बार। नाउ आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहते हैं कि 2 नंबर्स दिए मेरे को 11,284 और एक दिया 7,655, वहन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट, जब इन दोनों नंबरों को एक 3 नंबर डिजिट से 3 डिजिट वाले संख्या से भाग किया जाता है, तो ये एक दोनों हैं सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, मतलब इनको डिवाइड करने पर एक 3 संख्या, तीन कोई भी संख्या मान ली ए बी सी, अगर ए बी सी से मैं इनको डिवाइड करूं दोनों संख्याओं को, तो जो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा वो दोनों का इक्वल रिमाइंडर मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ सच 3 डिजिट, तो मेरे इन तीनों का सम पूछ रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वो मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, आओ फाइंड आउट करते कैसे। सबसे पहले ऐसे लिखो 11,284 7,655। ठीक है, अब इस तरह कुछ लिखा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले क्या, जो हमारी दो संख्याएं दी हो ना उनका फाइंड आउट करो आप डिफरेंस, 11,284 7,655, ऐसी दो संख्याएं, इनका मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले डिफरेंस यानी कि माइनस कर दूंगा, 14 से 5 गया भाई 9, यहाँ पर बचे थे मेरे पास 7 7 में 5 गया 2, यहाँ पर बचे थे 2 2 12 6 तो आएगा 6, यहाँ पर 10 10 में 7 का 3, तो मेरे पास क्या बचा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया मेरा 3629, 3629 इन दोनों का अंतर आ गया। अब
इस 3629 के मैं फैक्टर बनाऊंगा, फैक्टर बनेंगे मेरे 19 मल्टीप्लाई 191, इस तरह के टू फैक्टर्स मेरे को मिलेंगे जब मैं फैक्टर बना के, देख लेना आप ठीक है, इस तरह के कुछ टू फैक्टर्स मेरे को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा हूँ थ्री डिजिट्स की, थ्री डिजिट नंबर कौन सा इनमें से, ये है ना, अगर टू डिजिट्स की बात करता तो मैं ये लेता, बात कर रहा थ्री डिजिट्स की तो ये हुआ, तो इसके सम निकालो डिजिट का, 1 + 9 + 1 कितना हो जाएगा 11, आंसर डी हो जाएगा हमारा, राइट। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि मैं किसी संख्या का भी स्क्वायर कैसे करते हैं, बिल्कुल ईजी भी है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या भी उसका आपको मैं स्क्वायर करना बहुत ही ऐसे चुटकियों के अंदर आपको आज मैं सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है भाई बड़े, मतलब स्क्वायर करने में हम टाइम निकाल देते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास होती है 30 सेकंड, वो तो हम स्क्वायर करने में निकाल देते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो आज हम सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी। कोई भी संख्या ले ली, जैसे 91 ले लिया, तो मेरे को निकालना 91 का स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल एक दो तीन वेज बताऊंगा, देखो 91 का स्क्वायर कीजिए कैसे होगा। सबसे पहले 90 + 1 इसका होल स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हो, या ए 90 + 1 लिख दिया। अभी मैं इसको कैसे करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यार, कैसे हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसको आप ऐसे माइंड के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हो, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 90 × 180, ठीक है। अभी लिखो 8100 180 1, तो क्या हो जाएगा 8281 फाइनली मेरा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब सेकंड ट्रिक देखो इसकी, 91 91 इस तरह लिखा, सबसे पहले क्या करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे इन दोनों की, क्या लिखो करोगे मल्टीप्लाई, कर दी 1 × 1 आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नोर नो, नो प्लस नो मल्टीप्लाई में 1, नोर नो 18 18 का 18, इसके अंदर 18 में से क्या लिखोगे 8 8, 1 क्या गया कैरी, ये मेरी क्या है कैरी। अब थर्ड पार्ट क्या करोगे, जो ये सेकंड ये बचे हुए थे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 निम 81 81 और 1 82 आ गया ना, से कोई दिक्कत किसी को, बोलो। एक और ट्रिक देख लो भाई, 91 91 क्या करोगे, 1 × 1, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 × 9 + 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, 9 और 9 18 18 का 28 लगी एक, फिर से वही इक्कीस के साथ मल्टीप्लाई, निम 81 81 कोई दिक्कत किसी को। चलाओ एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिख लिया मैंने 65 65, इसके भी वेज बताऊंगा। सबसे पहले क्या करो, 25 25 25 का 5 ऐसे लगी 2, इसके बाद 6 और 6 12 12 5 60 60 और 2 62 6 कैरी, कुछ 36 और 6 42 42 25, कैलकुलेटर से भी इजीली वे से आप कर सकते हो, तो मेरे को समझाने के अंदर दिक्कत लगे नहीं, आप कर सकते हो। 65 की एक और ट्रिक देखो कैसे करोगे, जिन संख्याओं के पीछे 5 दिया हो ना, 5 जिन भी संख्याओं के पीछे 5 हो उनकी एक अलग से इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कैसे स्क्वायर करोगे, कैसे करोगे, चौप चौप 25 ऐसे कैसे लिख दिया, और जो इनके अंदर है एक लिखा, 6 है 6 के अंदर एक जोड़ा क्या हो जाएगा 7, एक जोड़ा क्या हुआ 7 7 6 42 35 हुआ, कैसे करोगे, 25 तीन के अंदर एक जोड़ा 4 थी, कोई दिक्कत ही नहीं यार। 25 देखो 25 2 × 3 × 2 = 625, ईजिली यार, कैसी कितनी बड़ी स्केयर हो, 3 4 मैंने मेथड बताए, जोन सा आपको प्रेफरेंस लगे वो आप यूज करके आप स्केयर कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, ठीक है। और कमेंट करके ये मेरे को बता दो कि मैं नेक्स्ट जो हमारा एडवांस मैथ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए, उसका मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, किस चैप्टर की वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ, जितने ज़्यादा जिस चैप्टर के लिए कमेंट होंगे उसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।